डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर कोर्स विच इज़ एंटॉलॉजी इन सोशल रिसर्च एंड दिस टॉपिक इज टू मच इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिसर्च विजी फर्स्ट ऑफ आल लेट सी वट इज़ एंटॉलॉजी एंटॉलॉजी इज एन एरिया ऑफ फिलासफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ बींगट एग्जिस्ट इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हकीकत दरअसल क्या है रियलिटी किस को कहते हैं और रियलिटी की नोयत क्या होती है क्या रियलिटी uh, uh, को जो है हम कह सकते हैं कि वो मैटर की तरह एग्जिस्ट करती है या रियलिटी इज़ समथिंग विच इज़ सब्जेक्टिव एंड इट इज़ रिलेटेड विद आवर परसेप्शन तो जब हम अंटोलॉजी की बात करते हैं सोशल साइंस में तो डिफरेंट अंटोलॉजी एग्जिस्ट इन सोशल साइंसेस एंड इट्स अनलाइक नेचुरल साइंसिस नेचुरल साइंसेज में तो एक ही एंटोलॉजी के साथ हम दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं और वो ये है कि रियलिटी इज़ समथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ रियलिटी इज समथिंग विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड रियलिटी इज़ लाइक अ मैटर एंड एग्जिस्ट आउट दियर बट इन सोशल साइंसेज वी हैव डिफरेंट एंटोलॉजीज एंड लेट्स सी वट इज़ द फर्स्ट अनटॉलॉजी द फर्स्ट अंटोलॉजी इज़ द रियलिज्म एंड अकॉर्डिंग टू द रियलिज्म रियलिटी एग्जिस्ट आउट देयर इट इज़ जस्ट लाइक अ मैटर जो हकीकत है uh, जो फैक्ट है वो uh, उसकी बेसिस पे हम जो है हकीकत को समझ सकते हैं और हकीकत को समझने के लिए फैक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है और फैक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि ये जो कलम है मेरे हाथ में ये एक मैटर से बना हुआ है तो हम ये समझते हैं कि जो Uh, इंसानी समाज के मसाइल हैं जो इंसानी समाज के इश्यूज हैं वो भी इस बैटर की तरह है वो एग्ज़िस्ट करते हैं आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस और हमें उनके बारे में जानने की ज़रूरत है एंड अ रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस तो जैसे ये फिज़िकल वर्ल्ड है जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस के बगैर एग्जिस्ट करती है ये जो पूरा यूनिवर्स का निज़ाम है ये जो कायनात का निज़ाम है और जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं तो वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के विदाउट भी एग्जिस्ट करती हैं तो इसी तरह जो सोशल वर्ल्ड है वो भी एग्जिस्ट करती है विदाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस तो हमें उसको जानने की ज़रूरत है कि उसकी एग्जिस्टेंस कैसे है तो रियलिज्म में जो आगे इसकी तीन टाइप्स हैं नेव रियलिज्म स्ट्रक्चरल रियलिज्म एंड क्रिटिकल रियलिज्म अभी हम बात कर रहे थे कि रियलिज्म क्या है एज एन ऑनटोलॉजी तो इसकी जो कॉन्ट्राडिक्ट्री जो एंटोलॉजी है वो है रिलेटिविज्म तो रियलिज्म में तो हम ये कहते हैं कि रियलिटी इज़ ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज लाइक अ मैटर एंड रियलिटी एग्जिस्ट आउट देयर और जो रिलेटिविज्म है उसमें हम ये कहते हैं कि रियलिटी इज रिलेटिव रियलिटी इज अ सब्जेक्टिव फिनोमेना एंड रियलिटी इज़ समथिंग व्हिच इज इज़ रिलेटेड विद द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड वी कैन नॉट स्टडी रियलिटी एज एन ऑब्जेक्टिव फिनोमेना तो so, ऑनटोलॉजिकल जो बिलीव्स हैं जो सोशल साइंसिस में वो ये दो मेजर बिलीव्स हैं रियलिज्म एंड रिलेटिविज्म और जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी की तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो इंटोलॉजिकल बिलीफ है वो है आपका रियलिज्म और इस एंटोलॉजिकल बिलीफ में फिर आगे जो एपिस्टमोलॉजिकल थ्योरीज है वो हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में उसके ऊपर बात करेंगे